हाय दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आप लोग देख रहे हैं मिडलाइफ चैनल। मेरे इस मिडलाइफ चैनल में आप सबको स्वागत है। और साथ साथ जो आज का जो वीडियो है वो है केटो बी लोशन को लेके। केटो बी लोशन आप लोग किस किस पर्पस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके यूज़ क्या है, डोज क्या लेना है, कैसे इसको अप्लाई करना है और साथ साथ इसके एमआरपी कितना है, इस सारे के सारे जानकारी मिलेगी आप लोग इस वीडियो में। तो बिना स्किप करके देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो दोस्त चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों सबसे पहले एक बार गौर करते हैं, केटो बी लोशन है ये आप लोगों को 15 ml में मिल जाएगी। और ये जो 15 ml में मिलता है तो एक एक लिक्विड का डब्बा मिलता है, इसमें एक लिक्विड मिलता है। जैसे कि लोशन है तो लिक्विड में आपको मिलेगा, और इसके जो केटो बी ये है लोशन है तो इसको कॉम्पोजिशन कौन सा है एक बार गौर कर लेते हैं। जैसे कि इसमें कैटाकोनाजोल एंड बिक्लोमेथासोन आपको मिलेगी, ये दो ही सॉल्ट आपको एक साथ एक केटो बी लोशन में मिलता है। तो दोस्तों आइए एक बार गौर कर लेते हैं कौन सा सॉल्ट आपको कितना मिलता है। जैसे कि कैटाकोनाजोल मिलेगा आपको 2% और साथ साथ बिक्लोमेथासोन मिलेगी आपको 0.025%। तो ये दोनों सॉल्ट से एक दोस्तों इस केटो बी लोशन को आप लोग ऐसे इस्तेमाल मत कीजिएगा, और डॉक्टर का प्रिस्क्राइब करने के बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसे आप किसी का सुन के या किसी के कहने के बाद आप इस केटो बी को लोशन इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर का सलाह लेना एकदम जरूरी है। आए दोस्तों एक बार गौर कर लेते इसको कैसा लुक है, क्या क्या मिलता है, एक बार उसको ओपन करके देख लेते हैं हम लोग केटो बी को। जैसे कि ये आपको एक प्लास्टिक के इसमें मिलता है, और एक केटो बी लोशन है, इसमें कॉम्पोजिशन है और कौन सा सॉल्ट कितना है और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो भी कंपनी मेंशन करके दिया है। तो इसको आसानी से खोल लीजिए, और खोलने के बाद बूंद बूंद अपने हाथ में ले लीजिए, जहाँ जहाँ लगाना है उस हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो प्राइस एक बार देख लेते हैं दोस्तों, इसका जो प्राइस है ये आपको 102 रुपये में मिलेगा। देख लीजिए जी एमआरपी है 102 रुपया, 102 रुपया में आप लोगों को 15 ml का एक केटो बी लोशन मिल जाएगी। तो इसको किस किस पर्पस में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार और इसको बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये कैटाकोनाजोल है, जैसे कि फंगस इन्फेक्शन हुआ या आपको स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया और दाऊत खुजली चुलकानी वो सारे के सारे प्रॉब्लम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है जैसे कि नॉर्मल सा आप कोई भी ट्यूब या वाइनमेंट लगाने के बाद उसमें कोई आपका सही से रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, या आपका दाऊत खुजली दाग वो सब सही नहीं होता, उस सब क्षेत्र में क्या होता है कि आप केटाकोनाजोल जो लोशन है तो इसको ले सकते हैं। और एक केटाकोनाजोल है, ये एडवांस एक सॉल्ट है, तो इसका यूज़ करने के बाद आपका जैसे भी खुजली हुआ, दाउद हुआ, चुलकानी हुआ, एक्जिमा हुआ या स्किन में कोई भी इन्फेक्शन हुआ वो सब क्षेत्रों में इसको आसानी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बालों के अंदर में कोई ऑइंटमेंट या कोई ये अप्लाई नहीं कर सकते, उस सब क्षेत्र में क्या होता है लिक्विड लगाने से आपकी बालों के अंदर में या सर पे कहीं भी खुजली हो जाने से उस सब क्षेत्र में क्या होता है आपके बालों के अंदर में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ये लोशन है, और आइए एक बार गौर कर लेते हैं इस लोशन को कैसे अप्लाई करना है या कैसे लगाना है। जैसे कि इसमें लिक्विड है तो इसको जहाँ जिस एरिया में आपका इन्फेक्शन है पहले उसको पानी से साफा कर लीजिए या बढ़िया से उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद क्या करना है, जो लिक्विड है इसको हाथ में भी ले सकते हैं, लेकिन जहाँ जिस एरिया में आपका इन्फेक्शन है उसमें लगा सकते हैं, या उस एरिया में बूंद बूंद करके देके उसको सही से आपको लगाना है। और सावधानी से लगाएगा दोस्तों, जैसे कि ये मुंह में ना जाए तो ये, और इसको बच्चे से दूर रखिएगा, ओनली फॉर एडल्ट के लिए इसको अप्लाई करना है। और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपका जैसे खुजली, दाऊ चुलकानी या पुराना से पुराना एक्जिमा हो, या स्किन में इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, या आपकी नाखून में फंगल जैसे इन्फेक्शन होना, उस सब क्षेत्रों में इसको आसानी से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम या क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई देता है। इसको आप ज़्यादातर बच्चे में अप्लाई मत कीजिएगा, ये बड़े के लिए है। पहले से अगर आप कोई कैटाकोनाजोल ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हैं उस सब क्षेत्रों में इस केटो बी को इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये डबल कन हो जाएगा डोज तो फिर आपका स्किन में और भी बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाई दे सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा सेफ तरीके से, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों सबको शुक्रिया। और मेरा मेडिलैब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बगल वाले घंटे को भी एक बार दबा लीजिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।